वही भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देश में रोजाना 2,40,00,000 से ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का रोज सफर करना भारतीय रेलवे के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि त्योहारों और छुट्टियों में उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। यात्रियों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि देश में 10,000 नॉन एसी कोच बनने वाले हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि साल 2024 से 2025 में 4,485 और साल 2025 से 26 में 5,444 डिब्बे बनाए जाएंगे। इनमें ज्यादातर डिब्बे जनरल श्रेणी के जनरल कोचेस 2,500 स्पेशल ड्राइव के तहत मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और साथ ही साथ और 10,000 जनरल कोचेस का अप्रूवल हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में इस बार समर में रेलवे ने करीब 10,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं, जिससे कि जो समर का जो डिमांड होता है उसको पूरा किया जा सके और पूरी तरह से फोकस्ड वे में सर्विसेज पे, सेफ्टी पे, क्लेनलीनेस पे, हर चीज पे पूरा फोकस्ड वे में ध्यान दिया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन्स जो कि पहले दो प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, एक मालदा से एक दरभंगा से, उसका भी आगे का मैन्युफैक्चरिंग 50 और अमृत भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और उसके आगे 150 और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ओवरऑल जिस तरह से रेलवे की सर्विसेज को प्रधानमंत्री जी एक सुलभ और सेफ अच्छा यातायात का मोड है, तो भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कही जाती है। देश में रोजाना 2,40,00,000 से ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करते हैं। इतनी बढ़ती तादाद में लोगों का रोज सफर करना भारतीय रेलवे के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि त्योहारों और छुट्टी में उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। यात्रियों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि देश में 10,000 नॉन एसी कोच बनने वाले हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि 2024 से 2025 में 4,485 और साल 2025 से 26 में 5,444 डिब्बे बनाए जाएंगे। इनमें से ज्यादातर डिब्बे जनरल श्रेणी के होंगे। वही वित्त वर्ष 2025 से 2026 में रेलवे ने अमृत भारत जनरल कोच सहित 2,710 सामान्य कोच बनाने की योजना बनाई है। जनरल कोचेस 2,500 स्पेशल ड्राइव के तहत मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और साथ ही साथ और 10,000 जनरल कोचेस का अप्रूवल हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में इस बार समर में रेलवे ने करीब 10,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं, जिससे कि जो समर का जो हैवी डिमांड होता है उसको पूरा किया जा सके और पूरी तरह से फोकस्ड वे में सर्विसेज पे, सेफ्टी पे, क्लेनलीनेस पे, हर चीज पे पूरा फोकस्ड वे में ध्यान दिया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन्स जो कि पहले दो प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, एक मालदा से एक दरभंगा से, उसका भी आगे का मैन्युफैक्चरिंग 50 और अमृत भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और उसके आगे 150 और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ओवरऑल जिस तरह से रेलवे की सर्विसेज को प्रधानमंत्री जी एक सुलभ और सेफ अच्छा यातायात का मोड है उसको और ज्यादा मॉडर्नाइज करके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास है। जैसा पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड हुए थे, इस साल भी करीब करीब आज अभी जुलाई का महीना चल रहा है, करीब करीब 800 किलोमीटर से ज्यादा ऑलरेडी बन चुके हैं और इस साल का जो टारगेट है उस तरफ बढ़ रहे हैं। कवच का रोल आउट भी बहुत तेजी से आगे जा रहा है, हर एंगल पे, हर एस्पेक्ट पे रेलवे के तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।